जिला आबकारी महकमे के फरमान से मालवा के अफीम किसानों में हड़कंप सा मच गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी डोडा चिरा को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि सरकार किसानों से 4 साल के डोडा चिरा का हिसाब मांग रही है, जबकि किसानों ने अपना डोडा चिरा नष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि किसानों से डोडा चिरा का हिसाब नहीं मांगा जा रहा है, जबकि किसानों की भलाई के लिए ही सरकार ने ये नीति बनाई है। वहीं अगर विभाग की बात करें तो 4 साल से रखे डोडा चूरा की जानकारी के बाद ही विभाग डोडा चूरा नष्ट करेगा, जबकि सरकार ने 100 रुपए किलो में डोडा चूरा किसानों से खरीद कर नष्ट करने का नियम बनाया था। अब सरकार नहीं खरीद रही है, जिससे किसानों को डोडा चूरा अपने ही खेत में नष्ट करना पड़ रहा है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किसान ने, आइए सुनते हैं। 4 साल के डोडा चूरे का हिसाब मांगा जा रहा है तो वो एक तरह से किसानों के पक्ष की ही बात है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी है वो सदैव किसी भी बात को लाने से पहले इस बात पर विचार करती है कि क्या चीज़ किसानों के लिए हितकारी है और लाभकारी है। तो जो 4 साल का हिसाब मांगा जा रहा है उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं कहीं जो डोडा चूरा पड़ा है तो अगर वो उसका हिसाब दे दे और तुलवा दे, और अगर डोडा चूरा नष्ट कर दिया गया है तो वो भी बता दे कि डोडा चूरा नष्ट कर दिया गया है। तो इसमें ऐसी कोई बात फंसने वाली है, इसमें ऐसी कोई बात परेशान होने वाली नहीं है। एक सोचने वाली बात यह है कि जब केंद्र सरकार ऐसे निर्णय ले रही है कि जो किसान को बर्बाद कर रहे हैं, डोडा चूरा चाहे आप खेतों में रख दो या अपने गोदामों में रख दो, उसमें बिच्छू हो जाएंगे, सांप आ जाएंगे, सांप घुस जाएंगे और उससे किसान को अहित होगा। तो जब शराब के लाइसेंस होते हैं तो ऐसे में डोडा चूरा लाइसेंस क्यों नहीं हो सकता? उनको लाइसेंस दे दे सरकार और सरकार की इनकम भी बढ़ जाएगी उसमें, और डोडा चूरा भी किसान के पास सड़ेगा नहीं और किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे निर्णय या नितेशी निर्णय किसान के हित में निर्णय सरकार को लेना चाहिए। और हमारे जो पूरे मंदसौर और नीमच जिले के अंदर हमारे NDPS के इतने अपराधी जेलों में बंद हैं, 90% अगर आप उन जेलों में कर्नाटी जेल या मंदसौर जेल की बात करें तो 90% लोग NDPS एक्ट में फंसे हुए लोग मिलेंगे, जो सिर्फ मामूली सा डोडा चूरा जिसके अंदर मामूली सा मारपीट होता है उसमें फंसे हुए लोग उसमें मिलते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी बच जाएंगे और सरकार को भी इनकम होगी और हमारे किसान को भी इनकम होगी। अच्छी बात है, यदि आबकारी विभाग ने 4 साल का हिसाब मांगा है तो किसानों के पास 4 साल से डोडा चूरा उनके घर में ही रखा था, कई बार बरसात से गीला होने के कारण वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, कई प्रकार के जहरीले जानवर उसमें आ जाते हैं, इस कारण से किसान या तो उसको रोड़ी में डाल देता है या खेत में डालकर उसकी हकई कर देता है। अधिकतर किसान बंधुओं ने यही किया है, और यदि जिन्हें सुरक्षित रखा है उनके पास रखा हुआ है वो बता देंगे कि हमारे पास कहाँ रखा है, और जैसा आदेश ऊपर से मिलेगा नष्टीकरण उसको करेंगे। हाँ, इस विषय में कलेक्टर साहब ने बैठक करी है और कलेक्टर साहब से जनरली आज हमने चर्चा भी करी है, तो उनका और प्रशासन का कहना है कि जो डोडा चूरा किसान के पास रखा है तो वो उसका हिसाब दे दे, और अगर किसान ने नष्ट कर दिया है तो एक सिंपल प्रोफार्म आएगा उसमें भर के किसान दे दे कि मैंने अपनी रोड़ी में डाल दिया, मैंने अपने खेत में डाल दिया और मेरे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तस्करी के लिए डोडा चूरा इकट्ठा कर लिया और शासन को ऐसा लगता है कि किसान का माल होगा, इसलिए शासन किसी के घर पे दबिश नहीं देता है, कहीं पूछताछ नहीं करता है, और उस आड़ में यहाँ जो धंधे चल रहे हैं उनको बंद करने की मंशा से सरकार ने और शासन ने कदम उठाया है। पर इसमें किसानों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, अगर किसान के पास है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं मांगा जा रहा है, किसान बस लिख के दे दे कि हाँ मेरे घर में रखा है, तो उसको आके पुलिस परेशान नहीं करेगी कि भाई किसान के पास किसान का माल पड़ा है, और अगर उसने नष्ट कर दिया है तो भी किसान लिख के दे दे कि हाँ मेरा थोड़ा चूरा बरसात के कारण गीला होकर नष्ट हो गया, जानवर पड़ गए थे उसमें, बिच्छू पड़ गए थे तो हमने रोड़ी में डाल दिया, खेत में डाल दिया। इस प्रकार किसी का कोई हिसाब किताब वाला मामला नहीं है और ना ही ऐसा कोई NDPS एक्ट इसमें लगने जैसा कोई मामला है। रही डोडे चूरे की बात, तो डोडा चूरा आपके आबकारी एक्ट में आता है, उसको संभाल के रख ही नहीं सकते हैं, संभाल के रखेंगे तो आप उसको फंसा दोगे, और नहीं संभाल के रखेगा तो कहाँ से आपको 4 साल का डोडा चूरा ला के देगा, वो कहाँ से ला के देगा? तो सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, तो बेचारा किसान परेशान हो रहा है, उनको मालूम है कि 2 रुपए का सोड़ा सूरा नहीं हो रहा, अभी मुझे जेल हो जाएगी, तो बेचारा उसने उसको जला दिया, ख़त्म कर दिया, तो कहाँ से ला के देगा? कुल मिला के मेरा कहना है कि सरकार को स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, किसानों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे, किसानों के नाम की राजनीति बहुत कर ली। और अब मेरा कहना किसानों से भी है कि किसानों को समझना पड़ेगा
केवल एक किसी भी मोहरे उसमें नहीं जाएं, किसी भी भावनाओं में नहीं भड़के किसान। किसान अपने पेट को देखे, अपनी फसल को देखे और फिर निर्णय लें, जब जाके किसान का भला होगा। वरना किसान अगर राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से ही वोट डालता रहा तो कभी उनका भला नहीं होगा। और जो ये नीति की आबकारी नीति की बात हो रही है, आबकारी नीति किसानों के हित में है और चार साल के हिसाब का जहाँ तक सवाल है, हिसाब नहीं मांगा जा रहा है, केवल जानकारी मांगी जा रही है। ऐसा कोई हिसाब जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जब शासन पट्टे देता है तो हिसाब शासन का लेना उनका, शासन का आबकारी विभाग का अपना फर्ज है, लेकिन किसी प्रकार से फंसा या डराने का कोई कारण नहीं है। ये विपक्षियों की चाल है और जो विरोधी दल है उन्होंने इस नीति का अध्ययन नहीं किया, इस कारण से विरोध कर रहे हैं। नीमच से दीपक खताबिया की एक खास रिपोर्ट।